बॉलीवुड अभिनेत्री से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर ने शुक्रवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनका कोई खास एजेंडा नहीं है और उनका एकमात्र एजेंडा सिर्फ ईमानदारी है। मुंबई में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात कर रही थी। कांग्रेस ने शुक्रवार को उर्मिला को मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। एजेंडे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा कोई खास एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा सिर्फ ईमानदारी है। मेरे पास कोई रणनीति एजेंडा या पीआर नहीं है। मेरा मानना है कि जो लोग दिल से ईमानदार होते हैं और जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है, वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।